भगवान या अवतार वो बड़े बड़े काम करता है, चमत्कार करता है, लोगों की बीमारियां ठीक करता है, मरे हुए लोगों को भी जीवित करता है। क्यों, कैसे, क्या ये जन साधारण के करने योग्य बात नहीं है? क्या उसके लिए कुछ अलग से किसी स्पेशल एंटिटी को या किसी भगवान को, बहुत बड़ा कोई अवतार लेके उतर के ये सब काम करने की जरूरत है? Is it so? Or is that so? No, it isn't so. ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं या शास्त्रों में लिखा है या कहीं ना कहीं किसी ऋषि मुनि ने कहा है कि भगवान ने इंसान को अपने जैसा बनाया, मनुष्य जाति को अपने जैसा बनाया। तो जब हवन होता है किसी के घर में, या पंडित बैठते हैं, ब्राह्मण बैठते हैं, ज्ञानवान लोग बैठते हैं, तो सभी यही डिस्कस करते हैं कि भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। मतलब दो हाथ, दो पैर, दो आंख, दो कान, एक नाक, मुंह और इस तरह का शरीर दिया, इसलिए अपने जैसा बनाया। ये सत्य नहीं है। भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, उसका मतलब, उसका अर्थ ये है कि भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा समर्थ बनाया, आध्यात्मिक तौर पे, स्पिरिचुअल तौर पे। पर उसका इस्तेमाल कोई नहीं करता या बहुत कम लोग करना जानते हैं। अपने जैसा से मतलब है कि अगर व्यक्ति अध्यात्म में, भक्ति के मार्ग पे, अपनी साधनाओं के मार्ग पे, साधना भी सात्विक साधना, तांत्रिक साधनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी साधनाओं के मार्ग पे यदि आगे बढ़े तो वह भगवान के समान ही समर्थ हो सकता है। उसके चक्र कुंडलिनी सब जागृत हो सकते हैं, आत्मोद्धार हो सकता है, जिसको आप एनलाइटनमेंट बोलते हैं। और व्यक्ति एक ऐसे लेवल तक पहुंच सकता है जहां वो सृष्टि खुद ही निर्माण कर सकता है, खुद ही उसको चला भी सकता है, सारे संसार को, सभी जीवों को ठीक कर सकता है, सुखी कर सकता है, सब बीमारियां क्योर कर सकता है, ठीक कर सकता है, सब समस्याओं को हल कर सकता है, किसी मरे हुए को भी जीवित कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर्वत को भी उठा सकता है, समुद्र को सुखाना चाहे तो सुखा सकता है, या ना सुखाना चाहे तो ना सुखाए। कहने का मतलब कुछ भी अच्छा कर सकता है। तो वो लेवल व्यक्ति भगवान जैसा जब अचीव कर लेता है तो उसे भी सर्वशक्तिमान ही कहते हैं या महाशक्तिमान कहते हैं। जैसा आपने शक्तिमान सीरियल में देखा या कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, तो वो लेवल व्यक्ति अचीव कर सकता है अपनी साधनाओं के जरिए, अपने तप और जाप के जरिए, सिद्ध जाप से खासकर। और